नमस्कार, आज मैं आप सबके लिए गर्मियों में पिए जाने वाले वाटरमेलन स्लश और वाटरमेलन जूस की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपका वाटरमेलन ऑलरेडी फ्रिज में रखा हुआ है तो ये रेसिपी मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाएगी और इसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं मिनटों में बन जाने वाले वाटरमेलन स्लश और वाटरमेलन जूस की रेसिपी। रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर लीजिए और इस तरीके से बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। ऐसा करने से आपको मेरे लेटेस्ट रेसिपीज़ के अपडेट्स हमेशा मिलते रहेंगे। पहले एक वाटरमेलन लेंगे, उसको धुलकर कट कर लेंगे। अब पूरी तरीके से उसके ग्रीन पार्ट को यानी कि छिलके को रिमूव कर देंगे। अब इनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अब इनको एक बाउल में ट्रांसफर करते जाएंगे। अब जितने भी क्यूब्स में से पॉसिबल होगा इस तरीके से सीड्स को निकाल देंगे और फिर हम इनको रखेंगे इस पूरे बाउल को आइस बॉक्स में कम से कम 3 घंटे के लिए। हमने इसको 3 घंटे के लिए आइस बॉक्स में रखा था और अभी हमने इसको तुरंत आइस बॉक्स से बाहर निकाला है, तो इसके जो पीसेस हैं वो भी थोड़े हार्ड हो चुके हैं। तो अब हम इनको 2 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। हाफ पोर्शन का हम स्लश बनाएंगे और हाफ पोर्शन का हम जूस बनाएंगे। तो पहले हम हाफ पोर्शन को एक मिक्सर जार में ऐड कर लेते हैं। हमने हाफ पोर्शन को मिक्सर जार में ऐड किया है और हाफ पोर्शन को बचा लिया है और आप ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा फ्रोजन हो चुका है 3 घंटे में। तो अब हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर सिरप ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे। एंड दैट्स इट। अब हम इसको 5 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने इसको 5 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। स्लश के अनुसार बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हुआ है क्योंकि स्लश में कुछ अनग्राइंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं होता है, वो काफ़ी अच्छी खासी थिक कंसिस्टेंसी होती है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम इसको तुरंत सर्व करेंगे बिकॉज ये फ्रेश बना हुआ ही अच्छा लगता है। चाहे तो ऐसे लेमन से गार्निश कर सकते हैं और लास्ट में कुछ पुदीना लीव्स को भी ऐड कर देंगे। तो लीजिए, हमारा फ्रेश वाटरमेलन स्लश पीने के लिए बिल्कुल तैयार है।
अब हम वाटरमेलन जूस को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दोबारा मिक्सी का जार लिया है और हम बचे हुए वाटरमेलन क्यूब्स को इसमें ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर सिरप ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे तो इसीलिए मैं टोटल में 6 टेबलस्पून शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ। वन एंड हाफ टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे। वन बाई फोर टी स्पून ब्लैक सॉल्ट पाउडर ऐड करेंगे, या फिर हम इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश पुदीना लीव्स ऐड करेंगे और आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब लास्ट में हम इसमें कुछ आइस क्यूब्स को ऐड करेंगे। उसके बाद हम कम से कम 7 से 8 सेकेंड के लिए इसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन हम 7 से 8 सेकेंड लगातार नहीं ब्लेंड करेंगे। हम 1 सेकेंड ब्लेंड करेंगे, उसके बाद हम मशीन को रोकेंगे, फिर हम इसको दोबारा ब्लेंड करेंगे। तो हमने इसको 8 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, जूस वाली कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे, जिससे कि जो भी थोड़े बहुत सीड्स रह गए होंगे और या फिर अनब्लेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। स्ट्रेनर में जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो वेस्ट नहीं है, उसको हम किसी भी गमले में या पौधे में डाल सकते हैं। तो लीजिए, हमारा बिल्कुल फ्रेश वाटरमेलन जूस सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। वाटरमेलन जूस डाइजेशन के लिए, फेस पे अच्छा सा ग्लो लाने के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और गर्मियों में अगर हम डेली इसका 1 ग्लास कम से कम सेवन करें तो इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो अब लास्ट में हम कुछ पुदीना लीव से गार्निश कर लेते हैं। और मैंने एक वाटरमेलन पीस को ऐसे हार्ट शेप में कट किया है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी गार्निश कर सकते हैं। अब ये फ्रेश वाटरमेलन जूस पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप गर्मियों में बहुत ही कम समय में इस वाटरमेलन स्लश और वाटरमेलन जूस को बना सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।